हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, क्या हो रहा है, पढ़ाई हो रही है या सिर्फ मस्ती मस्ती हो रही है, और आप सब कैसे हो, पापा मम्मी कैसे हैं, घर में हो या सिर्फ बाहर जाते हो, पापा मम्मी की बात मानते हो। चलिए घर में ही रहना है, बाहर नहीं जाना है अभी, ओके। चलिए आज हम कविता से क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक मैंने आपको प्रार्थना, छोटी सी मुन्नी और फूल, तीन कविताओं का अभ्यास करवाया है। तो आपको प्रार्थना और छोटी सी मुन्नी तो बहुत अच्छे से याद हो गई होगी। हमने अभी दो दिन पहले ही फूल वाली कविता का अभ्यास करना शुरू किया है, तो हम उसका ही आज अभ्यास करेंगे, ठीक है। चलिए, फूल फूल तुम कितने अच्छे, फूल फूल तुम कितने अच्छे, तुम्हें प्यार करते हैं बच्चे, तुम्हें प्यार करते हैं बच्चे, रंग तुम्हें दे जाता कौन, रंग तुम्हें दे जाता कौन, इत्र छिड़क महकाता कौन, इत्र छिड़क महकाता कौन, बतलाओ तो उसका नाम, बतलाओ तो उसका नाम, करे सदा जो अच्छे काम, करे सदा जो अच्छे काम। ये कविता आप बार बार पढ़ोगे, बोलोगे मम्मी पापा के सामने या दीदी भैया आपके घर में जो भी आपसे बड़े हैं उनके सामने खड़े होके आपको अच्छे से कविता उनको सुनानी है, एक्शन के साथ सुनानी है, तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। और मुझे लगता है काफ़ी बच्चों को ये कविता याद भी हो गई होगी, हो गई होगी ना। चलिए, अभी तक आपको मैंने कुछ व्यंजन बताए हैं, जैसे क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, ग से घड़ी, अड़ा खाली और च से चम्मच। अभी नया व्यंजन हमने शुरू किया था च से चम्मच। मैं आपको बार बार यही बोल रही हूँ, जब तक आप च से चम्मच या कोई भी व्यंजन हो, जब तक आप उसके चित्रों को पहचानेंगे नहीं तो आप उस व्यंजन या उस अक्षर की पहचान भी नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी व्यंजन शुरू करने के पहले या उसका अभ्यास करने के पहले, उसे पढ़ने के पहले उसके चित्रों की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। आपको मैम ने च से चम्मच जो व्यंजन है उसके कई चित्र आपको दिखाए थे और आपको बताए भी थे कि च से चम्मच, च से चटाई, च से चुन्नी, च से चूड़ी, च से चादर, च से चरखा, और भी ऐसे कई उदाहरण हैं जो हम व्यंजन च का आसानी से अभ्यास कर सकते हैं चित्रों द्वारा पहचान करते हुए, ठीक है। आज मैं आपको एक नया व्यंजन जो है च के बाद आता है, जैसे मैं बोलती हूँ क से कबूतर, ख से खरगोश, घ से गमला, घ से घड़ी, अड़ा खाली, ऐसे दूसरी लाइन शुरू होती है च से चम्मच और छ से छाता, ठीक है। च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झरना, ई आँख खाली, ये वाली लाइन में भी पांच व्यंजन आएंगे, ठीक है। क से कबूतर और अड़ा से अड़ा खाली तक भी पांच व्यंजन आए। अब इस वाली दूसरी लाइन में च से यहाँ तक के व्यंजन आएंगे। तो अभी हमने शुरू किया था च से चम्मच, उसके बाद व्यंजन आता है छ से छाता। छाता सभी बच्चों को बहुत प्यारा होता है, क्योंकि जब बारिश होती है तो बच्चों को बहुत शौक लगता है कि वो बाहर जाएं और बारिश में छाता लेकर घूमें। छाता सारे बच्चों ने देखा हुआ है, फिर भी मैंने अपने पास एक छोटा सा छाता रखा हुआ है ना। ये क्या है, छ से छाता, क्या है ये, छ से छाता। जब रेनी सीजन आता है तो बच्चे इसको ऐसे सिर पर लगाते हैं, लेकिन भीगते भी हैं, है ना। तो ये क्या है, छ से छाता। तो आज मैं आपको छ से छाता कैसे बनता है उसका अभ्यास कर दूंगी, ओके। चलिए, हम बनाएंगे आज छ से छाता। आपको आज छ से छाता बनाना नहीं है, सिर्फ देखना है कि मैम छ से छाता कैसे बनाती हैं। देखिए, आपने छोटा आ बनाया है, छोटा आ कैसे बनाते हैं, ऐसे करते हैं, आधा
अर्धगोला और फिर एक और अर्धगोला, ऐसे बनाते हैं छोटा। इसको हम उल्टा बनाते हैं, इसको ना बनाते हुए हम बनाएंगे छह से छाता ऐसे। सिर्फ आज आपको लिखना नहीं है, सिर्फ देखना है कि मैम कैसे बनाती हैं। ये देखिए, पहले हमने एक अर्धगोला बनाया, उसके इसी कॉर्नर से एक और अर्धगोला बनाते हुए इस कॉर्नर के सामने वाली लाइन पर इसको ऐसे करना है और ऊपर से एक लाइन खींचते हुए इसको पूरा करना है। ये क्या बन गया आपका छह से छाता। फिर से देखिए आपको कैसे बनाना है। मैम बहुत बड़ा बना रही हैं, टू लाइन में नहीं बना रही हैं। मैम इसलिए टू लाइन में नहीं बना रही हैं अभी, अभी मैम आपको सिर्फ छह से छाता की पहचान करवा रही हैं। आपको अभी लिखना नहीं है, सिर्फ देखना है कि मैम छह से छाता कैसे बना रही हैं। आपको ये तो मैंने सिर्फ एक उदाहरण देके बनाया था कि आप छोटा बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं और इसको इस तरफ से बनाते हैं, इसको सीधा इसको उल्टा, बस ठीक है। फिर से हम देखेंगे, आधा ये बनाना है, फिर इसके इसी कोने से इसको जोड़ते हुए यूँ घुमाते हुए ऊपर ले जाना है और ये इसको ऐसे कर देना है, और इसका जो ये ओवल शेप जैसा दिख रहा है इसको एक सीधी रेखा से जोड़ देना है। तो आपका कौन सा व्यंजन बन गया छाता। कौन सा व्यंजन बन गया छाता। छाता से मैंने आपको ये छाता दिखाया, छा से छड़ी। छड़ी देखिए, जिसके दादाजी होते हैं वो, मैम की ज़्यादा अच्छी तो ड्राइंग है नहीं है लेकिन देखो ऐसी छड़ी होती है ना छा से छड़ी, उसको दादाजी वो पकड़ के चलते हैं। यदि आपके घर में कोई ऐसा है या आपने किसी के पास ये छड़ी देखी है तो ये हो गई छा से छड़ी। छा से छलनी, जिससे एक छलनी होती है ना प्लेट जैसी, इसमें छोटे छोटे होल होते हैं। छह से छलनी, छह से छड़ी, छह से छाता, और भी छह से छाता के कई ऐसे चित्र हैं जिन्हें मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको छह से छाता जो अक्षर है उसकी भी पहचान आसानी से हो जाएगी। तो ये आज मैम ने आपको एक नया व्यंजन बताया है। ये कौन सा व्यंजन है छह से छाता। कौन सा व्यंजन है छह से छाता। छह से छाता, छह से छड़ी, छह से छलनी, और भी कई चित्र होते हैं छह से छाता के। तो ये कौन सा व्यंजन है छह से छाता। कौन सा व्यंजन है छह से छाता। चलिए, अभी तक मैम ने आपको कुछ व्यंजन सिखाए हैं, वो है का से कबूतर, खासे खरगोश, गासे गमला, घासे घड़ी, और ये कौन सा है अड़ा खाली। ये कौन सा व्यंजन है अड़ा खाली। फिर दूसरी लाइन शुरू होती है, मैम ने लाइन की बात बताई थी आपको। फिर है यहाँ से छा से चम्मच, ये आपका बन गया छा से छाता। ये कौन सा अक्षर है छा से छाता। इसके बाद मैम बताएंगी जा से जहाज, झा से झंडा, इया खाली। लेकिन मैम अभी ये व्यंजन आपको लिखना लिखकर नहीं बताएंगी क्योंकि अभी आपको सिर्फ इन्हीं व्यंजनों का अभ्यास करना है और अपनी फेयर नोटबुक में, जो कि मैं बार बार आपसे बोलती हूँ, इन्हीं व्यंजनों को जो मैम ने अभी तक आपको बताए हैं बार बार लिखकर इन्हीं का अभ्यास करना है। इसमें आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है लेकिन इसका आप बार बार अभ्यास करोगे तो आसानी से बनाना आ जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार मैं आपको बताती हूँ छह से छाता कैसे बनाना है। अभी आपको सिर्फ बड़ा बना के सीखना है, छोटा नहीं बनाना है। अभी टू लाइन जो आपकी हिंदी की नोटबुक है वो पतली वाली लाइंस हैं, है ना, और अभी मैम सिर्फ आपको बड़ा बनाना सिखा रही हैं जिससे आपको सिर्फ बनाना आ जाए कि छह से छाता कैसे बनाना है। ये देखिए,
मैम ने यहाँ सेंटर में अपनी पेंसिल रखी और इसको यूँ घुमाते हुए इसको और इस कॉर्नर को सेम एक जैसा रखना है। फिर यहाँ से पेंसिल रखते हुए यूँ घुमाते हुए ऐसे आ जाना है और इसको ऐसे लाइन खींचकर पूरा करना है। तो ये कौन सा व्यंजन बन गया? छा से छाता। कौन सा व्यंजन बन गया? छा से छाता। आपको आज इसी व्यंजन का अभ्यास करना है। आपको नोटबुक में अभी नहीं बनाना है, सिर्फ इसके चित्र देखने हैं। जो आपके पास किताब है उसमें देखना है छा से छाता के कौन कौन से चित्र होते हैं, और उन्हीं चित्रों के माध्यम से आप इस छा से छाता को आसानी से पहचान सकेंगे। ठीक है, आज आपको सिर्फ छा से छाता के चित्रों को देखना है, उनकी पहचान करनी है कि यदि आपको कोई छा से छाता या छा से छड़ी, छा से छलनी या और भी कई चित्र हैं दिखाएं तो आप बता देंगे कि ये अक्षर छा है। ठीक है, आज के लिए सिर्फ आपका यही काम है, आपको ये अच्छे से रिवाइज करना है, इसकी पहचान करनी है। लेकिन बाद वाले जो पिछले आपको व्यंजन सिखाए गए हैं उनका भी अभ्यास करते रहना है, उनको भी नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए आज के लिए आपका सिर्फ यही काम है, आपको छा से छाता के चित्रों का अभ्यास करना है, उनकी पहचान करनी है। ओके, चलिए घर में ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है जब तक पापा मम्मी परमिशन नहीं देते। ओके, बाय।